हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे ये रसमलाई मूज। रसमलाई केक तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, एक बार इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये रसमलाई मूज ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी भी छोटी पार्टी या किसी भी फंक्शन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो रसमलाई मूज बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे आधा लीटर दूध। यहाँ पे मैंने टोन मिल्क ही यूज़ किया है, पैकेट वाला। तो आधा लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको इस तरीके से चलाते हुए इसमें एक उबाल आने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो कढ़ाई के तले में ना लग जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे केसर के धागे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। धीरे धीरे चीनी इसमें घुल जाएगी और इसको हमें 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस तरीके से सिमर करना है और धीरे धीरे ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ गया है केसर की वजह से और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ गया है इसमें। तो इस दूध को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हल्का सा दूध गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून आलमंड के स्लाइसेस और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पिस्ता और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये रसमलाई का रस हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। और लास्ट में फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रसमलाई का रस तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस दूध को हम ठंडा होने देंगे और इधर हम तैयार कर लेंगे मूज के लिए व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले ली है एक बड़े बोल में। मैंने यहाँ पे 2 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं अगर आपको कम क्वांटिटी बनानी है तो। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स येलो जेल फूड कलर और 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे रसमलाई एसेंस। अब सारी चीज़ों को बीट करेंगे। क्रीम में शुगर पहले से एडेड है तो हम इसमें और शुगर ऐड नहीं करेंगे और इस तरीके से क्रीम को लगातार बीटर से बीट करते जाएंगे जब तक कि ये क्रीम एकदम थिक ना हो जाए और इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं क्रीम वॉल्यूम में भी डबल हो गई है और आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट पीक्स आए हैं अभी। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए और बीट कर लेंगे जिससे कि हमारे स्टिफ पीक्स आ जाए और क्रीम एकदम अच्छे से थिक हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिफ पीक्स आ गए हैं, ये देखिए क्रीम काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है। तो बस हमारी रसमलाई व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल तैयार है, बहुत ही डिलीशियस ये व्हिप्ड क्रीम तैयार हुई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम चलते हैं मूज़ बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के मूज़ कप्स लिए हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी ये कप्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप किसी भी तरह का कप ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको कटोरी में भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है इस तरीके के वाइट स्लाइस ब्रेड्स। अब स्लाइस ब्रेड को हम उसी मूज़ कप से इस तरीके से उसमें से सर्कल्स कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने मूज़ के लिए लेयर्स बनाने के लिए ये ब्रेड लिया है, आप ब्रेड की जगह पर स्लाइस केक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेड के सर्कल्स हम बना लेंगे। ये इंस्टेंट रेसिपी है दोस्तों और बहुत ही आसान है, झटपट से ये डेज़र्ट तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से हमने ब्रेड के सर्कल्स कट करके रख लिए हैं। अब हम मूज़ कप्स में ब्रेड के सर्कल्स इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ये देखिए एक एक सर्कल हम सभी मूज़ कप्स में डाल देंगे। तो जितना हमने क्रीम तैयार किया है उससे करीब करीब 18 या 20 मूज़ कप्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बस कुछ ही मूज़ कप्स में आपको ये डेज़र्ट तैयार करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कप्स में मैंने ब्रेड के सर्कल्स प्लेस कर दिए हैं। अब हम इस ब्रेड को सोक करेंगे रसमलाई के रस के साथ जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये जो दूध है ये ठंडा हो चुका है तो इससे हम ब्रेड को सोक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये रसमलाई डेज़र्ट हमारा तैयार होता है। ये देखिए हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। तो क्रीम डालने के लिए मैंने क्या किया है, क्रीम को इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाल दिया है बिना नोज़ल के, नोज़ल इसमें मैंने नहीं लगाया है और पाइपिंग बैग को कट कर लिया आगे से और इस तरीके से क्रीम को हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये देखिए क्रीम का एक लेयर, तो ब्रेड के ऊपर क्रीम का एक लेयर हम लगा देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये देखने में अभी से कितना सुंदर लग रहा है, ये डेज़र्ट देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से सारे कप में ये देखिए मैंने क्रीम को
लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। अब हम हर कप्स में एक बार फिर से ब्रेड के सर्कल्स ऐड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, ये जो डेज़र्ट है हमारा बाहर से बहुत सुंदर दिखेगा, इसके लेयर्स बहुत अच्छे से दिखेंगे बाहर से। तो ये देखिए सारे कप्स में मैंने ब्रेड के सर्कल्स ऐड कर दिए हैं। अब ब्रेड को फिर से सोक कर लेंगे मिल्क से जो हमने तैयार किया था। तो ये देखिए सारे ब्रेड को मैंने मिल्क से सोक कर दिया है और अब इसके ऊपर फिर से हम क्रीम का एक लेयर डालेंगे। आप चाहें तो क्रीम को स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पाइपिंग बैग से जब डालेंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बनाने में कितना ज़्यादा आसान है और बहुत ही बढ़िया डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। देखने में ये एकदम प्रोफेशनल मार्केट स्टाइल डेज़र्ट लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कप्स में क्रीम को ऐड कर दिया है, लग रहा है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अब सारे कप्स में क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं आलमंड और पिस्ता के स्लीवर्स। आप चाहे तो इसके ऊपर रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए सारे कप्स को मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में करीब करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारी लेयर्स अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद 1 घंटे के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो डेज़र्ट है 1 घंटे बाद बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसके लेयर्स भी अच्छे से सेट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया रसमलाई मूज हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा रसमलाई मूज। तो दोस्तों आई होप आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो है ना दोस्तों कमाल की रेसिपी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।